तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रीपेड परीक्षा और प्रीड ईयर परीक्षा में पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड, अभी तक आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखा है शिक्षण अभिरुचि और जनरल नॉलेज का, तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला से बीच से बहती है? कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से बहती है? तो इसका ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, सोन, नेत्रावती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो है सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई, कटक, बेंगलोर, क्विलोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा था? तो ऑप्शन है कालिदास, चरक, पाणिनि, आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शीर्ष धारा अंत में गंगा से मिलती है? तो इसका ऑप्शन है अलकनंदा, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भागीरथी, अंत में गंगा से जाके मिलती है। ठीक है, वह धातु जिसका लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। तो इसका ऑप्शन है जिंक, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? योग सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और निम्नलिखित में से किस में गिरती है? लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और किस में जाकर गिरती है? इसका ऑप्शन है कच्छ का रण, अरब सागर, कैम्बे की खाड़ी, सांभर झील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कच्छ का रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है? इसका ऑप्शन है पेन्नार, कावेरी, कृष्णा, ताप्ती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन बी कावेरी नदी कहाँ से? पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी? कावेरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जौ उत्पादन करने वाला देश है? तो ऑप्शन है चीन, भारत, रूस या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रूस। ठीक है, क्या है राइट आंसर? ऑप्शन सी रूस, सर्वाधिक जौ का उत्पादन करने वाला देश है रूस। ठीक है, सुनामी का कारण नहीं है। तो ऑप्शन है तूफान, भूकंप, पानी के नीचे भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तूफान। ठीक है, जो सुनामी का कारण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किसका भाग है? इसका ऑप्शन है साबरमती बेसिन का, गंगा बेसिन का, नर्मदा बेसिन का या गोदावरी बेसिन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा बेसिन का। ठीक है, चंबल नदी किसका भाग है? तो नर्मदा बेसिन का। ठीक है, डीडीटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन है बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में या कैस्पियन सागर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? बाल्टिक
सागर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तो इसका ऑप्शन है किन्नौर में, लद्दाख में, नेपाल में, तिब्बत में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तिब्बत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, इसका ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, शुक्र, ठीक है। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी में मिलती है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी में मिलती है, ऑप्शन है बनास, गंगा, नर्मदा, यमुना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यमुना, यमुना नदी से मिलती है, कौन सी नदी, चंबल नदी यमुना नदी से जाकर मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी, तो इसका ऑप्शन है मुंबई, देहरादून, दार्जिलिंग या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, दार्जिलिंग, ठीक है। दार्जिलिंग में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी निम्नलिखित में से किस एक की सहायक नदियां हैं, तो इसका ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी, कावेरी नदी के सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना से संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भरता, परिवार कल्याण कार्यक्रम, आधारभूत संरचना विकास, रोजगार सृजन कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना से संबंधित है, ठीक है, क्या है भारत निर्माण योजना से संबंधित कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आधारभूत संरचना विकास, ठीक है, से भारत निर्माण योजना से संबंधित है आधारभूत संरचना विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी सबसे कम मौसमी प्रवाह वाली है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, तो इसका ऑप्शन है मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है चेन्नई पोर्ट, ठीक है, जो कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, ठीक है, चेन्नई पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा बनाती हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा बनाती है, तो इसका ऑप्शन है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या विष्णुप्रयाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा बनाती है, कहाँ पे, देवप्रयाग में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो इसका ऑप्शन है नरोरा, कोटा, चमेरा, काकरापारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चमेरा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, कौन सा, चमेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रमुख औद्योगिक पशु कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे प्रमुख औद्योगिक पशु कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन है प्रोड्यूसर्स, तृतीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं, तो
इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन सी 24वां। ठीक है, ऑप्शन सी 24वां। ठीक है, आज था ही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड तो कर लीजिए और जाकर पहले वाले वीडियोस के प्लेलिस्ट देख लीजिए फ्रेंड, और तैयारी पर लगे रहें। ऑल द बेस्ट।